मुंबई में हर चीज़ों के लिए लाइन लगानी पड़ती है, जैसे कि राशनिंग दुकान पे लाइन, तो रेलवे टिकट के लिए लाइन, ऐसी ही लाइन टॉयलेट के लिए भी लगानी पड़ती है। मुंबई के साठी नगर बस्ती में 8000 लोगों के बीच में सिर्फ दो ही टॉयलेट है, और इसी वजह से वह बस्ती के लोग काफ़ी परेशान हैं और उनको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बताइए आपको यहाँ पे कितने देर खड़ा रहना पड़ता है? यहाँ पर करीब बोलेगा तो 15-20 मिनट यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। अगर किसी को जल्दी आए टॉयलेट तो क्या करेगा? दूसरा कुछ पर्याय नहीं, वो वैसे यहाँ पर खड़ा रहेगा। यहाँ पे आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? यहाँ पर 2 रुपये देना पड़ता है। और कभी समझो लूज मोशन हो गए तो फिर 20 रुपये जाने के चांसेस है या 15 रुपये जाने के चांसेस है इसके लिए। तो और ऐसा मैं अकेला फैमिली में एक मेंबर हूँ, मेरे घर में कम से कम 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का 4 के हिसाब से कितना होता है? ऐसा है ये टॉयलेट कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहता है? 4:30 बजे से रात को 12 बजे। अगर रात के 12 बजे के बाद में आए टॉयलेट तो क्या करेंगे? रात को 12 बजे आने के बाद फिर लोगों को क्या रास्ते के ऊपर फिर जाना पड़ता था बोलने के। ये समस्या है, ये समस्याओं का सामना किस किस को करना पड़ता है? अरे हर एक आम आदमी को करना पड़ता है, इधर भी के लोग रहते हैं। साठी नगर की आबादी इतनी है कि वहाँ पर दूसरा टॉयलेट बनाने के लिए जगह ही नहीं है। ये जो समस्या है टॉयलेट की, इसके लिए आपने कभी नगर सेवक के पास गए हैं क्या? मगर उनके लिए अभी उन्होंने बोला कि किधर जगह ही नहीं खाली, अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए। और हमने बहुत पहले नगर सेवक के पास गए, बहुत कुछ किया है, करवाएंगे ऐसे करके आज तक 20-25 साल हो गए ये नगर बस के, तभी अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरी और मेरे बस्ती वालों की अपेक्षा यही है यहाँ के नगर सेवक से कि वहाँ पर जो टॉयलेट है उस टॉयलेट को डबल माले का बनाया जाए, ताकि लोगों को जो टॉयलेट की समस्या हो रही है उस समस्या को थोड़ा सा कम किया जा सके। वैसे अमूल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।